प्रयागराज पुलिस ने ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए की काली कमाई करने वाले गैंग से पुलिस ने पर्दा उठाया है। पकड़े गए बदमाश सीबीआई, आरबीआई, इनकम टैक्स और अन्य एजेंसियों के फर्जी अधिकारी बनकर साइबर ठगी करते थे। इस अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना समेत दो अरेस्ट हुए हैं। दोनों दिल्ली में रहकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। कई लोगों को फंसाकर 1.5 करोड़ की ठगी करने के बाद दोनों बदमाशों ने दिल्ली के पहाड़गंज में 2 बार रेस्टोरेंट तक खोल लिया था। गिरफ्तारी के बाद शातिरों ने कई लोगों से ठगी की बात कबूली है। प्रयागराज साइबर सेल की टीम दिल्ली पुलिस से संपर्क कर उन्हें जानकारी मुहैया करा रही है। अरेस्ट करने वाली टीम को डीसीपी ने 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। क्राइम जो थाना पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों ही साइबर अपराधी हैं। इनके द्वारा एक जो वादी थे रिटायर्ड इंजीनियर, उनके साथ 68 लाख रुपए की साइबर ठगी इनके साथ की गई थी जो वादी के खिलाफ। तो इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें FIR नंबर 35/24 इसमें थाने पर दर्ज की गई थी और उसके बाद जब इसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर की गई तो इसमें जो ये 2 अभियुक्त हैं पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम संदीप कुमार सेन है और दूसरा इसमें मोहम्मद साहिल है। ये जो संदीप कुमार सेन है ये रहने वाला अतरसिया थाना क्षेत्र का है और मोहम्मद साहिल जो है ये खुल्दाबाद का रहने वाला है। अभी फ़िलहाल ये दिल्ली में ही पहाड़गंज में रह रहे थे जहाँ से ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से जो है वो 2 एप्पल के फ़ोन, 1 एंड्रॉयड फ़ोन और एक जो बैंक की वो है जो बैंक बुक है वो बरामद हुई है। उसके साथ साथ 14 अकाउंट्स जो हैं वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन अकाउंट्स के माध्यम से ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे और 5 इनके पास से फर्जी सिम भी बरामद हुए हैं। मेनली इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के नाम पे ये डेक्स्टर जो ऐप थी उसको मैनिपुलेट करके ये साइबर ठगी करते थे। तो पहले जो वादी ने 20 लाख रुपए क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए और फिर इनके द्वारा फर्जी CBI और इनकम टैक्स और RBI के ऑफिशियल्स बन के इनके द्वारा वादी को डराया गया कि आपने जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपकी जांच चल रही है और आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो उसका भय दिखा के बाद में फिर इनसे 48 लाख की और ठगी की गई। तो टोटल 68 लाख रुपीज़ की इनके साथ ठगी की गई है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये भी पता लगा है कि 5-6 लोगों के साथ अन्य लोगों के साथ भी इन्होंने ठगी की है और लगभग अब तक ये 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। ये जो पैसा साइबर ठगी से जो इन्होंने कमाया था उसको इन्होंने दिल्ली में एक नाइट क्वीन बार और मेट्रो व्यू बार जो ये बार है ये खोला था उसी पैसे से और उसी में ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। उसके साथ साथ जो अपने साथ क्योंकि एक पैसा साइबर क्राइम से इनके पास आ रहा था एक हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे ताकि और लोगों को भी ये अपने उसमें से कंजे में फंसा सके। ये दोनों 12th पास हैं। ये जो संदीप सेन लड़का है ये BCOM कर रहा था तो और संदीप जो है उसकी उम्र 23 साल है और जो दूसरा अपराधी है मोहम्मद साहिल इसकी उम्र 19 साल है। नहीं ये साइबर पैसा कमाने के लिए ही क्योंकि बहुत ही हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने किया। दिल्ली में ये लगातार दिल्ली में ही रह के होटल्स में रहते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करते थे। तो मूलतः ये रहने वाले प्रयागराज के हैं बट अभी वहीं पे रह के ये सारी गैंग चला रहे हैं।